हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। अभी हम लोग जा रहे हैं बंगला साहिब घूमने। पास में है सीपी और भी इंटरेस्टिंग प्लेस है दिल्ली का, तो सारा जगह हम लोग घूमने वाले हैं। हम अकेले नहीं है, मेरी पूरी फैमिली है। ये छोटा गाइड है हमारे साथ, अमित है, पनीर, और पीछे है दीदी लोग। हाय कर दीजिए एक बार दीदी। तो ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ज्योति का मैरिज कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कहीं घूमा जाए, क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है ना जहां सब लोग, पूरी फैमिली के लोग एक साथ मिलते हैं। अभी हम लोग जस्ट घर से निकले हैं, मेन रोड पे आए हैं, यहां से लेंगे ऑटो। दो ऑटो लग जाएगा, यहां पे हम लोग ऑटो के लिए खड़े हैं। लोग ज्यादा थे और ऑटो में सीट बहुत कम था, लिमिटेड सीट था, तो बाकी लोग चले गए उस ऑटो से। हम और अमित जाएंगे दूसरे ऑटो से बदरपुर। ऑटो से उतरने के बाद अब हम लोग जाएंगे बस में ना बने बंगला साहिब। टायर पंचर हो गया, उधर वाला टायर। स्टैंड पे खड़े हैं कंडक्टर जो भैया है, वो दूसरे बस में हम लोग को बैठाएंगे सेम टिकट में। ये कंडक्टर भैया अभी हम लोग बस से उतरे हैं पालिका स्टैंड, और पालिका स्टैंड के पास यहाँ पे जंतर मंतर है, इधर साइड एसीपी, और हमें जाना है बंगला साहिब। ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, यहाँ पे मास्क को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ की गवर्नमेंट, फिर आपका चालान कट जाता है। जगह जहाँ जहाँ बढ़िया सीन देखने को मिल रहा है ना, तो पूरी फैमिली एक साथ हम लोग फैमिली सेल्फी ले रहे हैं। तो फोटो देखना है अच्छा अच्छा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शूज सब खोल करके यहाँ पे हम लोग जमा करेंगे, बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। बंगला साहिब घूमने के बाद पूरी फैमिली के साथ अब हम जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पे कम रेट में अच्छा अच्छा आप शॉपिंग कर सकते हैं। पालिका बाजार में एंटर किया है, अच्छा लग रहा है घूम के आपको? तो मनीष कैसा लग रहा है? मैं तो देख चुका हूँ, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। और मनीष जो है कि हमेशा यहाँ से खरीदारी करते रहता है, शॉपिंग करते रहता है। अच्छा लग रहा हो ना वीडियो, वीडियो को लाइक करना ठीक है। अरे
दिनों का शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहा है। ये जो मार्केट है पूरा मॉल की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट की बात करें तो पूरा चीप प्राइस में सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पे, काफी कम रेट में हर चीज, कपड़ा से लेकर तो वॉच गॉगल्स जितना कुछ लेना है सारा कुछ चीप प्राइस में है यहाँ पे। पालिका बाजार से बाहर आ चुके हैं, पालिका बाजार के गेट नंबर 3 के सामने बहुत अच्छा स्ट्रीट मार्केट लगता है। यहाँ पे जूता सूट टी शर्ट जींस सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम चलेंगे सीपी पार्क, हमें फोटो शूट करेगा ना, वहाँ तो वहाँ पे फोटो शॉप का पूरा नहीं हुआ था ना। और ना भैया तो कैसा लग रहा फैमिली, थक गए क्या सब लोग हैं? ज्यादा शॉपिंग हो गई इसीलिए थक गए। एक मिनट क्या बोल रहे हैं? ज्यादा शॉपिंग हो गई इसीलिए थक गए। अच्छा सबका शॉपिंग हुआ लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। अमित क्या लिया तुम? वॉच और बैग में है। और बैग में है बैग के लिए। आप लोग क्या क्या लिए? बहुत कुछ भी। अरे हाँ सारा शॉपिंग पालिका बाजार से हुआ है, काफी अच्छा लगा। तो आप पाओगे ना, आपको दुकान के पास जाने की जरूरत नहीं है, दुकान वाले खुद आपके पास आएंगे और सामान कपड़ा हो जूता हो सारा कुछ लेके आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा मार्केट है। तब अमन बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग सीपी पार्क जा रहे हैं शायद। अच्छा कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बढ़िया बीता। बढ़िया बीता। हाँ भाई जैसे कि शादी का टाइम था तो सब लोग शादी के टाइम में ना इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद ऐसे टाइम को खाली नहीं देने जाने देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सोचे चलो ब्लॉग होना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। यहाँ पे सीपी वाले पार्क में आए ना तो पार्क ही बंद है। कैसा लग रहा है पार्क बंद हो गया? हमको तो जल्दी घर जाएंगे। नहीं बड़ा मन था ना सीपी वाला पार्क में घूमने का लेकिन पार्क बंद है, क्या कर सकते हैं, चलो कहीं और घूमा जाएगा। भाई सीपी आने के बाद यूट्यूबर का ब्रांचर्स नाम मिले यहाँ पे, ये हो नहीं सकता है। हर जगह कैमरा हर जगह ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। भाई भाई कहते भाई अमित वापस घर जा रहा है ना। अमित कौन सा चौक है? राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 5 है यहाँ पे। तो अमित यहाँ से जाएगा राजीव चौक, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ जाएंगे कौसंबी मामा घर, तो उसके बाद फिर धनबाद है ना। कल सुबह 6 बजे धनबाद, सुबह 6 बजे फिर पता नहीं दिल्ली, अब जनवरी के साथ ही हम दिल्ली आएंगे। कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा दिल्ली आ करके, और आज घूमने के बाद तो बहुत अच्छा लगा और शादी भी अच्छा एंजॉय किया हम लोग, है कि नहीं? नहीं अच्छा लगता है, सब लोग मिले सब जुटे, ठीक है अमित अच्छे से जाओ, ठीक है फिर मिलते हैं धनबाद में, फिर पटना में कहीं मिलेंगे। घूमना फिरना हो गया, हम लोग जाएंगे घर। दिन अच्छी भी थी चौकोबार। अच्छा तुम मैंने तुम खाएगी? देखो आ गया हम लोग आइसक्रीम दीदी दीदी लोगों को, आइसक्रीम हमारा के बाद पहली बार क्या हुआ? पहली बार देखे कुरकुरे दुकान। पूरा दिल्ली में सीपी घूम लिया, नहीं तो कुरकुरे दुकान यहाँ पे दिख रहा है पहली बार। कैसा फील हो रहा है? ठंडा। अरे चौको बार खा रहे हैं देखो, अब तुम क्यों ऑरेंज खा रहे? क्योंकि उल्टी नहीं होगा। चलेंगे मेट्रो स्टेशन जो कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ से हमारी पूरी फैमिली है हमारे साथ, तो बस से प्लान कर रहे थे, बस से हम लोग आए थे लेकिन जाएंगे मेट्रो से। भाई लाइन बहुत जबरदस्त लगा, बहुत ज्यादा लंबा लाइन है, पीछे भी देख सकते हो। और अभी मनीष टिकट लेने वाला है। यहाँ से खुद से टिकट बनाया जा सकता है, हम लोग अभी ले रहे हैं टोकन ले रहे हैं मेट्रो से जा रहे हैं। इसके थ्रू एक बार में 6 टिकट ही किया जा सकता है। राजीव चौक से बदरपुर का किराया पर पर्सन 50 रुपए है, तो 6 लोगों का 300 रुपए होता है। यहाँ पे कैश क्या होता है, मिल जाता है पैसा दिखाता है, और यहाँ पे टोकन मैं देख सकते हो, ये टोकन हमारा 6 टिकट हो गया 300 का, हमें 7 टिकट चाहिए था, तो एक बार में मैक्सिमम 6 निकलता है, तो एक टिकट अलग से लेना होगा। आ गया
हम लोग 8 लोग हैं, लेकिन मनीष के पास ऑलरेडी कार्ड है, इसलिए 7 लोगों का टोकन हमने लिया। राजी चौक से जाएंगे मंडी हाउस, क्योंकि मंडी हाउस से बदरपुर के लिए जो मेट्रो मिलेगी काफी खाली मिलेगी, नहीं तो केंद्रीय सचिवालय से चेंज करने में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। राजी चौक से मंडी हाउस जाने के लिए ब्लू लाइन में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जाना होगा। मंडी हाउस से बदरपुर के लिए मेट्रो लेंगे। सविता दी, मांधी दी, अनु, मनीष, आशा दी बैठे हुए सामने। हम आ गए हैं बदरपुर, अब बाहर निकलेंगे स्टेशन से, उसके बाद लेना होगा ऑटो।